नमस्कार, कैसे क्रेन डॉट कॉम में आप सभी का स्वागत है। और आज जो है वो हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे जो है वो आप इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हैं अपने जियो फाई से बिना वाईफाई के, यानी यूएसबी केबल के जरिए, जो केबल होती है आपकी उसके जरिए जो वो कैसे अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में जो वो इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हैं। तो आज जो हम लोग इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो कर दो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन दबा करके घंटी के आइकन को दबा लीजिए और वीडियो को देख लीजिए अब तक और सीख लीजिए जियो फाई से यूएसबी केबल के जरिए कंप्यूटर या लैपटॉप में जो है इंटरनेट का यूज कैसे करें। तो यहाँ पर जो वो हमने अभी जो है वो अपना जियो फाई के अंदर जो वो यूएसबी से जो है वो कनेक्शन कर लिया है माइक्रो यूएसबी के जरिए। ये है हमारा यूएसबी जो है वो कनेक्टर। तो यहाँ पर जो इसको हम हमारे लैपटॉप के अंदर जो वो कनेक्ट कर देते हैं। एक बार के लिए जो हम लोग लैपटॉप में कनेक्ट जो वो नहीं करते हैं, यहाँ पर जो आपको दिखाते हैं कि हम लोगों ने जो यहाँ पर कनेक्शन किया हुआ है हमारे वन सेकेंड वाईफाई से। तो यहाँ पर जब हम लोग वाईफाई को यहाँ से जब वो अभी के लिए हटा देते हैं, यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर जब वो इसको कनेक्ट को डिसकनेक्ट जब वो कर देते हैं वन सेकेंड। यहाँ पर जब वो हमने इसको कर दिया है डिसकनेक्ट, उसके बाद जब वो ऑटोमेटिकली जियो फाई से कनेक्ट करने की कोशिश करेगा, लेकिन उसको भी जब हम लोग डिसकनेक्ट कर देते हैं। इस समय यहाँ पर जब आप देखेंगे कोई भी वाईफाई जब वो यहाँ पर कनेक्टेड नहीं है। अगर हम यहाँ पर कुछ भी सर्च करते हैं तो यहाँ पर जब वो कुछ भी सर्च जब वो नहीं कर पाएंगे, यानी कि इंटरनेट पर जब हम लोग एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। अभी जब हम लोग यहाँ पर जब इसको कनेक्ट करते हैं, यहाँ पर जब वो माइक्रो यूएसबी को जो है वो कनेक्ट कर देते हैं वन सेकेंड। ये लीजिए, बिल्कुल यहाँ पर आपके सामने दिखाया जाएगा कुछ अपडेट्स स्टार्ट होंगे। ये देखिए, यहाँ पर जो वो इंटरनेट का जो ये वाईफाई वाला आइकन था वो जो वो इंटरनेट में कनेक्ट हो चुका है और इंटरनेट एक्सेस जो वो यहाँ पर दिखा दिया गया है। अब जो वो हम लोग जाकर के यहाँ पर जब वो कुछ भी सर्च करते हैं, तो वन सेकेंड, ये लीजिए हमने जब यहाँ पर सर्च किया तो सर्च करते ही जब वो हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो वो इंटरनेट एक्सेस हो रहा है। यहाँ पर जो वो देखिए, बिल्कुल आपके सामने जो हमने सर्च किया था वो जो वो खुल गया है और यहाँ पर आप देखेंगे कि जियो फाई से जो वो कनेक्टेड है लेकिन वाईफाई के थ्रू नहीं, वाया लैन केबल या फिर ये कह सकते हैं कि वाया यूएसबी केबल के जरिए जो वो कनेक्टेड है। तो इसके लिए दोस्तों आपको कुछ खास नहीं करना, आपको जो वो कुछ इस तरह का चार्जर मिलेगा आपके जियो फाई के साथ में, उस चार्जर का यहाँ से जो इसको हटा लीजिए और उसके बाद जो एक तरफ आपको मिलता है यहाँ पर यूएसबी माइक्रो यूएसबी जो है वो मिलता है आपको कनेक्टर, वहां पर जो वो कनेक्ट कर दीजिए आप अपने जियो फाई के अंदर। यहां पर जो वो कनेक्ट हो जाता है, उसके बाद जो आपको क्या करना है, बिल्कुल आपको जैसा हम दिखा रहे हैं आपको जो वो कनेक्ट करना है इस यूएसबी वाले कनेक्टर को अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर, उसके बाद जो वो कनेक्ट कर सकते हैं आसानी से इंटरनेट। बताते हैं कैसे। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को जानकारी जो वो अच्छी लगी और आप जान पाए कि कैसे जो हम लोग जियो फाई के जरिए या यूएसबी केबल के जरिए जो जियो फाई से इंटरनेट चला सकते हैं अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइबर नहीं है तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, घंटी और साथ में दबा लीजिएगा। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए दोस्तों और सीखते रहिए कैसे करें।